हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं हर्ष गुल आपका बहुत बहुत स्वागत हूँ आज के एक नए शानदार फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों आज यहाँ पर मैं आ चुका हूँ बबलू भाई के पास, एक बहुत ही अच्छे गेस्ट आ गए, जहाँ पर आज आप लोगों को बताने वाले कि भाई आप लोग बिजनेस में क्यों ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो। जैसे कई बार कई जैसे टेक्सटाइल बिजनेस चालू करते हो, थोड़े ही मंथ में छोड़ देते, या फिर कई सारे रीजन होते, छोटे छोटे रीजन होते जिसकी वजह से आपका बिजनेस नहीं चल पाता है। बट दोस्तों आज उसी के बारे में बात करने वाले। हेलो सर, कैसे हो आप। बस बढ़िया जी, बढ़िया। और बोलिए बाबू। तो सर पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि सूरत के बारे में जानना, सूरत के बारे में आपका क्या ख्याल है सर। देखिए सूरत के बारे में मैं बहुत बार बोला हर जी, सूरत पूरा विश्व में वन कंट्री है इंडिया का। सही है। और इंडिया में नंबर वन का सिटी अपना सूरत है। सही है। मैं तो आपको पहले भी बता चुका हूँ, पूरी विश्व को कपड़ा पहनाने वाला सूरत है। और जनरली की पूरा इंडिया को तो ओनली वन पीस है जो सूरत कपड़ा पहनता है। लेकिन सर कई अपने जो बिजनेस स्टार्टअप करने वाले हैं, बट वो बिजनेस चालू कर सूरत के साथ जुड़ने के बाद भी वो सक्सेस नहीं हो पा रहा। बात आपकी सब सही है। कहने का मतलब क्या है ना कि बिजनेस सबसे बड़ी सक्सेस नहीं करने का रीजन क्या होता है, उनका परफेक्ट खरीदारी नहीं होना। अगर गलत हाथ से खरीदारी होता तो सक्सेस नहीं कर सकते हैं। कभी भी कहीं भी जाते तो आप संतुष्टि से पहले आपको नॉलेज नहीं तो आराम से बैठ के उसको माल देखिए, उसके बाद संतुष्टि से परचेज करिए। और कहीं गलत हाथ से फंस जाते हैं, कोई 20,000-50,000 का धंधा लगाते हैं तो सक्सेस नहीं होंगे, कोई कीमत पर नहीं होंगे। सही। और दूसरी रीजन क्या होता है ना, व्यापारी को गलत होने में कुछ व्यापारी का भी सहयोग रहता है। वो आते हैं, आई समझिए कि यूपी बिहार आंध्रा कर्नाटक से आते हैं, 10 मिनट नहीं रुकते हैं, दलाल के चक्कर में कहीं जाके फंस जाते हैं। वो नहीं जानते कि हम फंस रहे हैं, उनको बेचारे को क्या, वो सीधे आदमी। सर जो ये हम देखे, जो पूरा जो प्रॉब्लम मेरे को बताया, बट उसका लास्ट हम देखे जो मर्म है वो है नॉलेज। नॉलेज नहीं आता, बट नॉलेज कैसे टेक्सटाइल का, नॉलेज कुछ नहीं, पहले जानेंगे कूदेंगे इसमें तो मालूम पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज है कि कोई रातों रात करोड़पति नहीं बनता है। जैसे आज 200 की चीज ली है, उसको 300 350 बेचने की कोशिश करिए, आप 200 की 600 बेचना चालू करें तो उतना ही बिकेंगे। रातों रात करोड़पति होने की कोशिश नहीं करिए। सबसे बड़ी चीज है थोड़ा ट्रेनिंग तो चाहिए, बिना ट्रेनिंग का नहीं कुछ होगा, ट्रेनिंग चाहिए। आप जिसकी जिस किसी से आपको संतुष्टि उसे सलाह लीजिए कि बिजनेस क्या कीजिए। बिजनेस जनरली एकदम नॉर्मल चीज है, नहीं तो हार्ड भी है। मुश्किल भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं। हार्ड क्या है सर जी, 90% लेडीज का टकराव है। आपको हरदम हम फिर वीडियो में बोल रहे तो लेडीज क्या है सर जी, आपका जैसे लेडीज घर में है वैसे मेरे घर में लेडीज है। लेडीज को संभालना समझाना बहुत भारी चीज। आप 500 मांगोगे, लेडीज 50 रुपए मांगे, इसके लिए उसको आराम से बात करिए, नरम का धंधा है। और एक महीना आप करिएगा तो लेडीज इतने आपको पकाएगी, कोई एक्सपीरियंस हो जाओगे। सही है, धंधा कुछ नहीं, एक्सपीरियंस हो जाओ। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव ही मेन चीज है, मतलब यहाँ पे एक तरह से बिजनेस ही बिजनेस को सिखाने वाला सर यहाँ पे। जनरली चीजें ना, आप जैसे आपको ये भी मालूम नहीं कि ये दानी कपड़ा है कि पूनम है कि बेटलेस। डेफिनेटली। लेकिन आपसे ज्यादा वो लेडीज को मालूम है, वो आपके दुकान में आते एक फोटो लेके आएंगे, सर एक साड़ी दीजिए, तो आपसे ज्यादा नॉलेज उनको है। उससे आप सीखने की कोशिश करिए, रुहाने समय पर हम लोग बैठे हुए हैं आपको हैंडल करने के लिए। सबसे बड़ी चीज बिजनेस कुछ नहीं है, एकदम नरम आदमी का चीज। लेकिन सर जैसे हम सूरत में देखे, जैसे अगर आप टेक्सटाइल बिजनेस करो तो कई सारे पोर्शन होते हैं, परचेसिंग पहले होती है, सेकंड के पे कैसे बेचे, थर्ड होती है। सबसे पहला रीजन बिजनेस में हर्ष होता है खरीदारी, परचेजिंग। अगर रियल खरीदारी करेगा वो कभी फेल नहीं करे। लेकिन सर कैसे करे सर, आज मैं भी वो साउथ से आ रहा हूँ, मेरे को नहीं मालूम कि सूरत में कहाँ से खरीदी करूँ, क्या करूँ, कैसे करूं। वो बात आपकी देखिए, ये बराबर आपने क्वेश्चन किया। आप आए हैं तो मेरे यहाँ आए हैं, ऐसा नहीं मेरे यहाँ 10 जगह आप घूमिए तो मालूम पड़ेगा आपको कि कौन सही है और कौन सा। पहले आप पकड़ सकते हो कि आधा घंटा आप बैठोगे कोई व्यापारी के पास तो आपको मालूम होना चाहिए कि व्यापारी सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। ये पकड़ने की कैपेसिटी अपने में होना चाहिए, एक तरह से चतुर होना चाहिए। बिना चतुर का नहीं चलेगा ना, ये पकड़ने की कैपेसिटी होना चाहिए कि ये बबलू भाई इतना बक दिया बोल रहा है तो सही है कि सही है कि नहीं, तो वो आपका माइंड चलना चाहिए। व्यापारी सर जी सब मेरे जैसा हंस के बोलेंगे, सब बोलने का धन है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, आप कभी भी सूरत आते हैं तो एजेंट के चक्कर में आप नहीं पड़िए।
राइट, आपकी जितनी कैपेसिटी है 25,000 की कैपेसिटी है तो 25,000 का ही मान लीजिए। सही एग्जैक्टली सर की बात, सही। लालच में बिल्कुल भी बिल्कुल लालच में फंसेंगे तो कभी सक्सेस नहीं हो, डेफिनेटली। और एक बेसिक नॉलेज तो आपको भी होना चाहिए। सपोज ये अगर मैं बात करूँ, अगर 100 रुपए मार्केट में मिलेगा, आपको 90 में दे सकते, 110 में दे सकते, 80 में भी दे सकता है, बट कोई इसका रियल चीज आप बोले 30-40 रुपए बोलेगा, कोई 100 का चीज है, मैं 100 बोला, कोई 110 बोलेगा, कोई 90 बोलेगा, वो 30 रुपए माने नहीं जा रहा है। सही है, तो वहाँ अपना माइंड चलना चाहिए ना। कोई 500 की चीज 50 रुपए बता रहा है तो इसमें भी नॉलेज आ रहा है, 50 रुपए मास नहीं हो रहा है तो सारी कैसे दे रहा है, सारी होता है सर जी। इसके लिए कभी भी अपने दिमाग से सोच समझ के खरीदारी करिए। जिस किसी का वीडियो देखिए हो, मेरा है, वहां जाइए आप संतुष्टि होइए, तब लोभ में नहीं फंसिए। कोई भी की दिखा दिया बबलू भाई जाओ 50,000 लेके आए हो 2,00,000 का माल ऑर्डर करके, नहीं जाइए, मेरे यहाँ क्यों नहीं आते हो। पहला टर्म आप जितनी पैसा हो उतना ही की काम की, डेफिनेटली। वो कहता ना जितनी चद्दर उतने ही पैर पसार हो, अगर उससे ज्यादा करो कई सारी दिक्कत होगी यहाँ पर, प्रॉब्लम कई सारे। तो जनरली चीज है, हर जनरली चीज है कि अपने औकात से ज्यादा करेंगे तो बाहर हो जाएगा ना यार, डेफिनेटली। तो इसके लिए कभी भी आप कोई भी तकलीफ हो सर जी, कहीं भी माल लेते हो तो सबसे पहले आप देख के माल लीजिए, कहीं धोखा नहीं खाओगे। पहला रीजन है आपका सबसे बड़ा बिजनेस का खरीदारी पे ही बिजनेस चलता है। और सर जैसे अभी आपने जो बोला ठीक है, परचेसिंग भी अभी टाइट कर ली, सब कुछ कर लिया, बट अभी वहां पे जाके अपने कस्टमर को लॉयल कैसे बनाए सर? एक बिजनेस में लॉयल कैसे करें, मतलब क्या होता है ना, आप मेल रखना पड़ेगा, दुकान करेंगे तो मेल रखना पड़ेगा। तो मेल में जैसे ऐसा नहीं कि 100 वाली चीज को भी 50% रखेंगे और 500 वाले को 50% रखेंगे। मेल रीजन देखना कि जैसा कस्टमर है वो हिसाब से, किसी पर 20 रुपया कमाए तो किसी पे 200 कमाया, वो हिसाब से आपको लेवल में चलना पड़ेगा। सबसे बड़ा छूट की हम लोग आपको 1 साल की गारंटी देते हैं। इसका रीजन क्या होता है कि गारंटी ये नहीं कि आप ले गए नहीं भी कब वापस ला दो, या हमाली करने के लिए नहीं काम कर रहे हैं ना, वो बेचने के लिए काम कर रहे हैं। तो कभी भी चीज करने मतलब 100 में 1 बाद में आता है कि हम 50,000 कमा लेंगे, 10,000 का नहीं बिका, तो कभी भी लाके आप चेंज करोगे। चेंज करने में हमको खुशी होता है कि 40,000 ही बेचेंगे तो 80,000 बनाएंगे ना जी, 10,000 का हम चेंज करेंगे ना, फिर वो 1,00,000 का माल लेंगे, तो वहाँ हमको खुशी मिलता है। आप लोग को लगता होगा क्यों चेंज करेगा, कैसे चेंज करेगा, ये आपको रीजन बताता हूँ, वो आपके लिए नहीं चेंज करेगा, वो मैं अपने खुद के लिए चेंज कर रहा हूँ। सही बात सर ने बहुत एक सही बात बोली, क्योंकि आप आओगे तो उससे कुछ परचेसिंग भी करने वाले यहाँ पे और अपना भी यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। सबसे बड़ी चीज है कि इस पे खरीदारी पे मेन फोकस खरीदारी पे दीजिए, खरीदारी सही होगा आप कहीं भी फेल नहीं होंगे। और सूरत में खराब हो रहा है, बदनाम हो रहा है, जनरली इक्का दुक्का करता है सर, सब नहीं करता है। पूरे इंडिया को कपड़ा पहनाने वाला एक सिटी सूरत है, सूरत 1-2 इसमें खराब हो गया तो सबका नाम खराब हो रहा है। डेफिनेटली सर जी, ऐसा कभी नहीं सोचने का कि सूरत खराब हो रहा है, 1-2 खराब करते हैं सब खराब। और सर मैंने भी सूरत के बारे में देखा, अपने सबसे सस्ती चीज भी मिलती है और सबसे महंगी चीज भी मिलती है, बट डिमांड होनी चाहिए। डिमांड सब तरह की है ना, सब तरह, गरीब अमीर सब जगह है। 28 साल 29 साल हो गया ना, मैं बोल रहा हूँ 29 साल सब वीडियो आपके साथ में बनाया हूँ हर जी। और पहला ऐसा बंदा है बबलू भाई मार्केट में, नाम नाम मैं नाम नहीं बनाया, नाम आप लोग बनाए, आप लोग के द्वारा मैंने नाम बनाया, क्योंकि गलत नहीं किया। 1-2 रीजन तो नॉर्मल बिजनेस है सर जी, 1,00,000 कस्टमर है तो 1-2 तो नॉर्मली आ जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि कभी भी आपको मेरे यहाँ, मैं सारी लहंगा ड्रेस तीनों चीज डील करता हूँ, आपको कोई भी तकलीफ होता है तो नीचे बबलू भाई का नंबर दिया रहता है। बबलू भाई बार बार बोल रहा हूँ कि 24 घंटा में रिप्लाई देने के लिए बबलू भाई बैठा है, लेकिन आप कॉल करोगे तब। सही है, 9327077063 का नीचे नंबर आता है बबलू भाई का, और कभी भी उसपे कंप्लेन नंबर है, आप सर से बात कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप अगर सोच रहे हो बिजनेस में आना, अगर आपको कोई भी छोटी छोटी क्वेरी है तो भी आप सर से बात, वो नहीं बोलेंगे तो हमको क्या मालूम पड़े। सही है सर जी, ऐसा नहीं है, आप मेरे यहाँ भी अगर कोई चीज नहीं बिकता है, आप फंस रहे हो 20,000 का लेके और नहीं बिका, तो आप मजबूर नहीं हो, आपसे ज्यादा मजबूर मैं हो गया। आपको दर्द होगा ना, तो सर दर्द वो मेरे को चुभेगा, आपको नहीं चुभेगा, उससे ज्यादा दर्द मेरे को। इसलिए माफी मांगता हूँ, कभी भी कोई फॉल्ट आता है तो मेरे को आप कंप्लेन करके बात कर सकते हो। सर के खुद के नंबर दिए गए, एक मेरे को सर की बहुत एक अच्छी चीज लगती है, लास्ट कंज्यूमर की हर एक प्रॉब्लम को यहाँ पे देखते और उसका सोल्व करने का एक करते, क्योंकि 40 रुपीज से मैं लहंगा बताता हूँ, कितने को लगता है कि 40 रुपीज में क्या होगा। कभी भी कोई भी कस्टमर अगर आया होंगे 40 में लहंगा नहीं दिखाया होगा तो नीचे कॉल कर, डेफिनेटली। बट पूरा सर बताते भाई 40 रुपए में लेंगे और कैसा लेंगे, कैसा लहंगा था, मैं सामने से बोला हूँ ना कि जो मेरे पास कपड़ा बचता है वो कचरे से उसको पैदा करके मैं 40 रुपए के लहंगा बनाया, मतलब वेस्ट को बेस्ट कर दिया। जनरली और जितना क्वांटिटी बोलिए,
लेकिन 40 का चीज 40 जैसा ही होता है, समझे कि नया वो स्नैप 1000 की अगर आप कभी भी होलसेल के लिए कॉल करिए, कम से कम 10,000-12,000 का नॉर्मली होना चाहिए। आप एक दो पीस कितने बोलते हैं, 40 रुपया बबलू भाई दो पीस भेजो। सर माफी मांगता हूँ, हम लोग होलसेलर है, कम से कम 10,000-12,000 का राइट सर मंगाइए। और आपको कोई भी तकलीफ कभी भी सूरत आना है तो आपका 4 नंबर वहाँ रहता है, किसी पे व्हाट्सएप करके फोन करके आप देख सकते हो। सूरत आते हो मोबाइल से कॉल करिए, मेरा लड़का आपको लेने जाएगा। मेरे यहाँ आते हो चाय पीना नहीं पसंद आएगा तो मेरा लड़का आपको नीचे रोड पे छोड़ देगा, जहाँ जाने का होगा जहाँ जाएगा। अगर मेरा लड़का किसी दुकान में कहता है ना सर जी की जाओ तो नहीं जाना, वो मेरे से बात कर लेना आपको। सही, आप चूज दिस मतलब एड्रेस देख के अगर मेरे को यहाँ यहाँ पे जाना वही वही पे जाइए, किसी के साथ मत जाइए। लेकिन 100% बोलता हूँ कि आपको खाली नहीं जाने दूंगा, ये मेरा वादा है। सही है सर जी, आप एक बार टाइम मैंने खाली नहीं जाने दूंगा सर जी। जो चीज बता रहा हूँ 40 रुपए से 20,000 तक के लहंगे है और 60 रुपए से लेके 3,000 तक की साड़ी है, 40 रुपए लेके कुर्ती है 300-400 तक। जो चीज पहले चीज पसंद आना चाहिए। अब व्हाट्सएप वीडियो पर देखते तो क्या है सर, फोटो भेजते तो फोटो में कलर मैचिंग कुछ अलग अलग हो जाता है, तो इसके लिए आपको लगता है कि हमें देखे नहीं आया, वो चीज नहीं है सर। थोड़ा कैमरा का भी रहता है, आप कभी भी होता है ना वीडियो कॉलिंग करके देखिए। सही, वीडियो कॉलिंग करके देखो आपको खुद मालूम, और उससे भी अच्छी चीज आप एक बार सूरत आ जाओ। आपको बिजनेस सबसे बेस्ट चीज है कि बिजनेस करना है तो आप सूरत जरूर आइए। एक बार आना है तो पहले फर्स्ट टाइम ही आप सूरत आइए। सही है, दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पहले फर्स्ट बिना आए हुए अगर बिजनेस में कूदना तो फर्स्ट टाइम सूरत आइए। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि फर्स्ट टाइम आप सूरत जरूर आइए और मिलिए। ऐसा नहीं मेरे से नहीं, 10 से आपको जिसकी पहचान है उसे सलाह लीजिए कि किस हिसाब से बिजनेस होता है। ऐसा नहीं कि मेरे से लीजिए, मैं अपने आपको जिससे समझ पड़ता है। कहावत में पूछते हैं 10 का करते हैं दिल का, मेरे से भी पूछिए 10 से पूछिए, लेकिन जहां आपका दिल भावे वहीं खरीदारी करेगा। जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे, जब तक आप ग्राहक को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, ये पहला लक्षण है बिजनेस का। सही है, और सर की बात सही, क्योंकि सूरत में बात करो दोस्तों इतने हजारों फैब्रिक्स है, क्योंकि फैब्रिक अगर नॉलेज चाहिए एक बार सूरत विजिट आपको करना ही चाहिए। और दोस्तों अगर मैं भी हूँ ना, मैं भी आज 1-1.5 साल से कर रहा हूँ, बट मेरे को भी पूरा नॉलेज नहीं आया, और सर भी आज कर सर भी कुछ आपको पूरा नॉलेज नहीं आया, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। क्योंकि सूरत में दोस्तों इतने सारे फैब्रिक्स, एक बार सूरत विजिट करोगे खुद जानोगे, खुद कपड़े को छूओगे, तो कपड़ा का जो क्वालिटी है वो सूरत से ही निकल रहे हैं। डेफिनेटली, तो उसमें कहने की जरूरत नहीं कि सूरत में क्या चीज। सही है, पूरा विश्व जाना है, आप तो इंडियन सबको जाना है, A to Z आपका। मैं बोला कहीं भी कोई तकलीफ होता है, एक बार बिजनेस में कूदना है तो सबसे पहले चीज आपको भूख होना चाहिए कमाने का, तब कूदिएगा। दूसरा रीजन मैं बताता हूँ, कभी पैसे की गवन से नहीं कूदिएगा। कई बार लोगों पे मेरे पास पैसा नहीं, कितने होता है ना, पापा का 1 लाख ले लिया, मामा दे दिए 2 लाख, बिजनेस में आ जाओ। अरे वो पापा को देने से बिजनेस नहीं करोगे, आपको भूख होना चाहिए कि हम बिजनेस में करना। सही है, तब करिए। और सर अभी ऐसा नहीं फ्रेश में जो मेरे को लगा भाई काम करना कर देते, बट एक कुछ टाइम भी नहीं दे पाते, पीरियड होता है इतना तो मिनिमम नहीं। हर ऐसा नहीं होता, जैसे बिजनेस करते हैं फेल हो जाते हैं, तब फेल ये आज नहीं एग्जाम ने कि आज चालू किया और कल बंद कर देंगे, इसको 2 साल लगेगा आपको फेल होने में धीरे धीरे। सही, आपको धीरे धीरे लॉस में जाते रहोगे और नुकसान में बंद हो जाएगा। सही, ये रीजन नहीं होना, छोटे छोटे स्टेप से मतलब आप एक सक्सेस को हासिल कर रहे। छोटी छोटी सक्सेस मतलब आपके लिए एक नहीं होता कि आप सक्सेसफुल हो गए, बट छोटी छोटी सक्सेस। लगन का टाइम आ रहा है, अभी तो कोई तकलीफ नहीं आएगा 6 महीना कस्टमर को, लेकिन कभी भी बिजनेस करना है तो थोड़ा अनुभव करके ज्यादा अमाउंट नहीं, ऑनलाइन मंगाने की कोशिश नहीं करिए। आप लोग को बार बार मैं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन मेरे यहाँ भी मंगाते हो तो 20,000 से 25,000, उससे ज्यादा ऑनलाइन मंगाने का चीज नहीं है। आज 50,000 का चीज मंगा रहे हो तो आप पहले 2,000 खर्चा करके सूरत आके। सही है सर की बात, डेफिनेटली सही। और मैं सर का थोड़ा गोदाम भी दिखा दो थोड़ा बहुत मेरा। ऐसा नहीं समझे कि बबलू भाई बोल रहा है कि 50,000 का 5 करोड़ का भी मांगोगे तो मैं दे दूंगा, लेकिन सर जी ऑनलाइन नहीं, आप लेके पसंद। सही है, ये सर की बहुत मेहनत। कल आज 50,000 का माल भेज देते हैं, अगर उनको नहीं समझ पड़ा तो टेंशन में आ जाएंगे और मैं फुकट का टेंशन में आ जाऊंगा क्योंकि वो माल नहीं समझ पड़ा। इसके लिए ऑनलाइन मंगाना है तो 20,000 से 25,000 पहला राउंड आपको मिल जाता है, उसके बाद आपको विश्वास हो जाएगा बबलू भाई सही भेजा, उसके बाद 50,000 क्वांटिटी मंगाओ। अरे ऑल इंडिया में 6 से 7 दिन में ऑल इंडिया वहां पहुंच जाता है, जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो आप। 20-25,000 का पहले सैंपल के रूप में मंगाओ ना। सही, सैंपल मंगा लो, अगर को पसंद आ गई तो फिर आप सर से। और कभी भी बिजनेस कोई खराब चीज नहीं है और कोई सूरत खराब नहीं है सर जी, सूरत में इक्का दुक्का खराब करें इसके लिए सबका नाम खराब हो रहा है।
इसलिए सूरत पे कभी भी कहीं गलत होता है, मेरे को नीचे आप नंबर है उस पे एक बार संजय स्पंद की बबलू भाई मैं वहां जाके गलत नहीं होना चाहिए, कुछ गलत होने में आपका भी रीजन है, मैं बार बार कह रहा हूँ आप जो भी मेरे को बोलो गलत जब होता है उसमें आपका भी रीजन होता है। आप 500 की चीज 50 रुपए में फंस रहे हो तो इतना तो समझ रहना चाहिए कि 50 रुपए में मास नहीं होता है, अपने को भी आइडिया होना चाहिए कि 50 रुपए की चीज है या नहीं। थोड़े से जागरूक उपभोक्ता होना भी आपको जरूरी बनता है, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया उसी हिसाब से आपको थोड़ा सा लॉजिक तो लगाना पड़ेगा। चीज में क्या बोला जी, बिना ट्रेनिंग का स्कूटर नहीं चला सकते हो तो बिजनेस कैसे चलाओगे। डेफिनेटली ये नई चीज है, सही है, एक नॉर्मल एक सिद्धांत है सर ये। अरे साइकिल चलाने के लिए सीखना पड़ता है सर जी, ये तो बिजनेस है, तो इसके लिए थोड़ा 10-20 हजार लगा के पहले आप अनुभव कर लो उसके बाद इसमें समझे। ज्यादा नहीं बोल के फिर आगे वीडियो में आपको हम मिलते हैं, लेकिन आपको मैं बोला ना सारी लहंगा और कुर्ती में डील करता हूँ, कभी भी कोई मेरे यहाँ प्रोजेक्ट आप खरीदते हो दिव्य टेक्सटाइल श्री जी क्रिएशन है मेरा फॉर्म है, कभी भी आप आते हो बबलू भाई जरूर मिलेगा आपको, बबलू भाई नहीं मिलेगा तो वीडियो कॉलिंग करके बात करना, तभी मेरे को मालूम पड़ेगा आप मेरे दुकान से आए। डेफिनेटली आप सर पूरा आपको सपोर्ट देने के तैयार है, ऐसा नहीं कि दिव्या पूरा सूरत में मेरा ही नहीं है सर जी, दिव्या के 100 दुकान होंगे, 100 दुकान इतने बैठे हुए हैं वो चीज है, कभी भी आते हो तो बबलू भाई जरूर मिलेगा। और ज्यादा नहीं बोल के वीडियो है प्रचार ये है सर जी, ये नहीं की वीडियो से मैं मान बीच रहा हूँ, इनके द्वारा मैं आपके द्वारा पास पहुंच रहा हूँ, यही बहुत काफी है, और आप लोग का सहयोग रहेगा तो मैं बहुत आगे चलता रहूंगा। जय हिंद जय भारत।